Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's prelims dose, we are here to discuss about Art Biennale. अभी हाल ही में हमारे यहाँ कोची मुजीरीज में Art Biennale होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया कुछ कारणों की वजह से. फिफ्थ एडिशन ऑफ कोची मुजीरीज Biennale was scheduled to be open on December 12, but it is postponed now due to certain reasons. ये उनके तरफ से एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई है. उन्होंने अपने बताया है कि अब ये आगे बढ़ गया, 23 दिसंबर को होगा. अब इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इट विल डिस्प्ले वर्क ऑफ ओवर 90 आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इन वेरीड मीडिया एंड कोची मुजीरीज Biennale इज क्यूरेटेड बाई सिंगापुर बेस्ड इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट शुभिगी राव प्रेजेंटेड अंडर सेंट्रल एग्जीबिशन टाइटल्ड इन अवर वेंस फ्लो इंक एंड फायर. जो इसका कोची मुजीरीज में Biennale होगा उसका टाइटल या थीम जो है वो इन अवर वेंस फ्लो इंक एंड फायर, हमारी नसों में स्याही और आग डाल दो, इस तरीके का मतलब जोश और जज्बे की बात कर रहे हैं ये लोग. इसमें 90 आर्टिस्ट के आर्टवर्क को दिखाया जाएगा और इसको सिंगापुर बेस्ड इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट शुभिगी राव ने क्यूरेट किया है. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Art Biennale के बारे में. तो Art Biennale इज़ एन इंटरनेशनल लार्ज स्केल शोकेस ऑफ आर्ट दैट टेक्स प्लेस एवरी 2 ईयर्स एट ए पर्टिकुलर साइट सेंटर्ड अराउंड अ क्यूरेटोरियल थीम. जिस तरीके से अभी का ये क्यूरेटोरियल थीम है जो शुभिगी राव ने बनाया है, उसी तरीके से हर Art Biennale का एक क्यूरेटोरियल थीम होता है और यह हर 2 साल में होस्ट किए जाते हैं, जिसमें लार्ज स्केल आर्ट का शोकेस किया जाता है. ये एक नॉन कॉमर्शियल इंटरप्राइज होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रीलिम्स में काम आएगा. और जो वेनिसी Biennale है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ओल्डेस्ट Biennale इन द वर्ल्ड. ये इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू अ रेजोल्यूशन बाय अ सिटी काउंसिल इन 1893. वेनिसी Biennale 1893 में इस्टेब्लिश हुआ था. ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस और ओल्डेस्ट Biennale है. इट इज़ इस्टेब्लिश टू सेलिब्रेट नेशनल आर्टिस्टिक टैलेंट. और Biennale डी साओ पोलो, ये साओ है SAU साओ पाओलो, ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन Biennale है जिसको कि 1951 में बनाया गया था. आर्ट से रिलेटेड थॉमस मेटन का एक काफ़ी अच्छा कोट है जिसमें उन्होंने कहा था, आर्ट इनेबल्स अस टू फाइंड अवर सेल्व्स एंड लूज अवर सेल्व्स. आर्ट इनेबल्स अस टू फाइंड अवर सेल्व्स एंड लूज अवर सेल्व्स एट द सेम टाइम. आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को खुद को पाने का और खुद को खोने का एक साथ में ही काम कर देती है, हमें इस काबिल बना देती है कि हम खुद को आर्ट में खो दें या खुद को आर्ट में पालें. ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल Biennale फाउंडेशन की. तो ये 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था. इसका एम था टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग नेटवर्किंग एंड नॉलेज शेयरिंग एमंग कंटेम्प्रेरी आर्ट Biennales अराउंड द वर्ल्ड. ग्लोबल Biennale फाउंडेशन 2019 में इस्टेब्लिश किया था जिससे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके जहाँ पर डायलॉग नेटवर्किंग नॉलेज शेयरिंग सारा कुछ हो सके जो कंटेम्प्रेरी आर्ट Biennales पूरे ऑलराउंड वर्ल्ड हो रहे थे उनके साथ में. इसकी एक डायरेक्ट्री है जिसमें करीब 200 Biennales की लिस्ट है. अब इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लें, इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू एन आर्टिस्ट वर्क. अगर कोई आर्टिस्ट Biennale में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं फॉर फ्यूचर म्यूजियम एग्जीबिशन गैलरी रिप्रेजेंटेशंस एंड एक्विजिशंस. और ये Biennale जो होते हैं वो होस्ट सिटी के नाम पे रखे जाते हैं. तो ये लोग जो सिटी में होस्ट होता है Biennale, जिस भी सिटी में होस्ट होता है वहाँ पर कल्चरल टूरिज़म बढ़ता है और उस सिटी के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है जो विजिटर्स आते हैं उनके थ्रू. अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट Art Biennale. पहला स्टेटमेंट है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल है. इट इज़ एन इंटरनेशनल लार्ज स्केल शोकेस ऑफ आर्ट दैट टेक्स प्लेस इन एवरी 2 ईयर्स. दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ ए कॉमर्शियल इंटरप्राइज. तीसरा स्टेटमेंट है, Biennale डे साओ पोलो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस Biennale. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़,
इट गिव्स रिकॉग्निशन टू एन आर्टिस्ट वर्क. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए इज़ वन एंड टू ओनली. ऑप्शन बी इज़ वन एंड फोर ओनली. ऑप्शन सी इज़ वन टू एंड वन थ्री एंड फोर ओनली. एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल आर करेक्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग अवर चैनल. कीप स्टडीइंग. स्टे ब्लेस्ड. हैव अ गुड डे अहेड.